बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है ज़ैद इकबाल दानिश और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल ज़ैद आईडी इलेक्ट्रिकल मेंटोर। हाँ तो नाज़रीन, आपकी बार भी मैं एक IMD की ड्राइव लेकर हाज़िर खिदमत हूँ। आज जो हमारा प्रैक्टिकल है वो हमारा 220 की, ये मेरे पास सोलर ड्राइव पड़ी है, ये आप उसकी स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं, 2.2 किलोवाट की है। तो आज इसको हम 220 वोल्ट सप्लाई दे के इसकी आउटपुट से 3 फेज़ सप्लाई हासिल करेंगे, ताकि इस 3 फेज़ ये 3 HP की जो मोटर है इसको ये चला सके। तो उसके कनेक्शन पहले आप समझ लें, ये मेरे पास एक बोर्ड पड़ा है जहाँ से हमने ये नेगेटिव और पॉजिटिव सप्लाई ली है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे L लिखा हुआ है। ये पहले जो है यहाँ पे PB लिखा हुआ है, जमा की जगह पे आपने सोलर PV की तारें लगानी है, और जहाँ पे मनफी लिखा हुआ है वहाँ पे आपने मनफी की सप्लाई लगानी है। अगर सोलर सप्लाई पे आपने इसको चलाना है, अगर आपने इसको वापडा पे चलाना है तो ये आगे दो टर्मिनल जो आप देख रहे हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये दो टर्मिनल यहाँ पे और यहाँ पे आप नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सप्लाई देंगे। यहाँ पे ये नीचे पावर लिखा हुआ है और आगे 3 UVW यहाँ पे मोटर लिखा हुआ है, ये आप नीचे देखें। तो तीनों तारे आउटपुट से निकाल के आपने मोटर को प्रोवाइड करनी है ताकि 3 फेज़ मोटर चल सके। ये L लिखा है यहाँ पे और यहाँ पे N लिखा है, आप रद्दो बदल करके भी आप ये यहाँ पे सप्लाई दे सकते हैं, नेगेटिव जगह पे फेज़ और फेज़ की जगह पे आप नेगेटिव बिशक रद्द बदल कर रहे, कोई ऐसा मसला नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे DC, यहाँ पे आपने पोलैरिटी को मुझे दिखाते रखना है, यहाँ पे जमा है वहाँ पे जमा, और जहाँ पे मनफी की तार लगनी है वहाँ पे पी पैनल की मनफी की तारें आपने लगानी है। अगर आप रद्द बदल करेंगे तो कोई भी मसला क्रिएट हो सकता है। और यहाँ पर आउटपुट पर आप तारें देखें तो यहाँ पर UV और W जो कि मोटर को तारें देनी है वो हमने यहाँ पर लगा दी हैं। अभी हाँ तो नाज़रीन, अगर इसी ड्राइव को सोलर IMD की ये जो ड्राइव है, अगर आप चाहते हैं कि इसको सोलर सप्लाई पे चलाया जाए तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, तो उसके लिए आपने करना क्या है, आपके पास जो 330 वाट के पैनल है वो आप 6 भी लगा सकते हैं, लेकिन आपने उसके मजमू वोल्टेज देखने हैं, क्योंकि ये सोलर ड्राइव जो है ये इसको चाहिए सिर्फ 220 वोल्ट, इससे ज़्यादा होने चाहिए ताकि ये सही वर्किंग करेगी। तो नाज़रीन, अब हम इसको चला के आपको चेक कराएंगे। अभी हम इस ड्राइव को चला के आपको चेक कराते हैं, 220 इनपुट पे है और 440 इसके आउटपुट से निकलेगी। 3 फेज़ मोटरें इस पर ऑपरेट की जाती हैं जो कि डेल्टा में होती हैं, ज़्यादातर डेल्टा कनेक्शन होते हैं मोटरों के, वो ऑपरेट करते हैं टर्बाइन वगैरह चलाने के लिए। तो अब हम रन की कमांड देंगे तो देखें आपके सामने ये 3 फेज़ मोटर जो है वो ऑपरेट हो जाएगी। ये मैं रन का बटन प्रेस कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं नाज़रीन, फ्रीक्वेंसी आहिस्ते आहिस्ते इंक्रीज हो रही है, ये आप देख सकते हैं। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रैक्टिकल, लिहाजा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे।